वेल दोस्तों, इन दिनों देवोलीना भट्टाचार्य जी अपनी शादी को लेकर के खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लड़के से नहीं बल्कि किसी और धर्म के लड़के से शादी रचाई है। वेल पूरा मामला क्या है, आइए आपको बता दें हैं। जी हां, देवोलीना भट्टाचार्य जी ने हाल ही में अपने जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी की है। देवोलीना की शादी लोगों के लिए सरप्राइज थी। तस्वीरें आने तक लोग सस्पेंस में रहे। उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। शादी एकदम सिंपल थी। देवोलीना ने अपने आउटफिट्स और मेकअप भी साधारण रखा था। अब देवोलीना ने इस बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि इतनी साधारण शादी क्यों की थी उन्होंने। जी हाँ, देवोलीना का मानना है कि वो शो ऑफ करके ये साबित नहीं करना चाहती थी कि उनके पास कितना पैसा है। जी हाँ, देवोलीना भट्टाचार्य जी की शादी सुर्खियों में है। उन्होंने एक मैसेज के साथ तस्वीरें शेयर की थी, साथ ही लिखा था कि वो चिराग लेकर भी खोजती तो ऐसा पति ना मिल पाता। उन्होंने अपनी गुपचुप शादी के बारे में जूम से बात की है। देवोलीना ने कहा, मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी टैग के साथ हमारे ऊपर समाज को गाइड करने की जिम्मेदारी भी होती है। कहा जाता है कि हमारे पास ट्रेंड सेट करने की ताकत होती है। वेडिंग्स का मतलब सिर्फ पैसा बर्बाद करना होता है। मुझे लगता है सब दिखावा है। मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं लगता कि मेरे पास कितना पैसा है। मैं चीजें रॉयल बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने, मेरे पति ने या हमारे पेरेंट्स ने ये पैसा कमाने में बहुत मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि हमें किसी सही चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, देवोलीना ने ये भी बताया कि वो एक NGO चलाती हैं। इसमें बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं ये पैसा ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनको जरूरत हो, ताकि समाज एक खुशहाल जगह बना सके। मैं चाहती हूँ कि युवा में ये समझ हो कि शादी के दिन बड़ा दिखाने के लिए शो ऑफ से पैसा खर्च करना मूर्खता है। बड़ा दिन वही होता है जब आपको सही इंसान से शादी करते वक्त माँ बाप का आशीर्वाद और दोस्तों का साथ मिल जाता है। और हाँ, हमने हर रीति रिवाज अपनाया और खूब मजे किए। वेल, आप बताइए देवोलीना के इन बातों पर आपकी क्या राय है, नीचे बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।